गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात एडिटिंग करने के बाद मैं इसी कमरे में सो गया, आज बहुत लेट उठा हूँ। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी खाना लग चुका है गाइस दादी का, मैं देकर आता हूँ दादी को, आपसे मिलवा भी देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मुझे लग रहा है दादी का मूड सही नहीं है क्योंकि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं आया है, देखते हैं अभी क्या बात है। गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया है आपने? रुको बंद हो गया। तो ऐसे इतना लगाते क्यों हो आप? नाराज लग रही हो आप, बात हो गई ना? ना नाराज नहीं हो? सुख सा सुखसे की सब्जी है, सुखसे की सब्जी बनी है, सब्जी ना सुखसे की बनी है, कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, सुखसा। गाइस इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, सुखसा बोलते हैं सूखी हुई गोभी, एक टाइप की हमारे यहाँ बनती है, पहाड़ी डिश टाइप की होती है, तो इन्हें लग रहा है कुत्ता बोल रहा हूँ, कुत्ते की सब्जी बनी है, तो कन्फ्यूज हो रही है दादी। गाया हुआ? हाँ सुखसा वही बोल रहा हूँ, आपको कुत्ता सुनाई पड़ रहा था? अरे दादी यार आप तो मजाक कर देती हो, क्या कह रही हो? चलो खा लो फिर, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाऊँ बाय। तुम खाना खा बोला गाइस, बोतलें लेकर जा रहा हूँ ऊपर अभी। गाइस बस मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, तैयार तो मैं हो ही चुका हूँ, फिर निकलता हूँ मैं घर से, रास्ते में आपको दिखाता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। रुके रहिएगा मेरे चैनल पे, अगर वीडियो लाइक नहीं करी होगी तो वीडियो लाइक कर लेना देखने के बाद, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर शेयर करनी हो वीडियो तो शेयर भी कर सकते हो। तो गाइस बस खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या आज खाने में क्या बना हुआ है। चने, इसके अलावा चावल, थोड़ा सा मैं इसलिए खा रहा हूँ, मैंने कल परसों की वीडियो में बोला था कि मैं चावल बिल्कुल ही बंद कर दिए हम डाइट में, ऐसा नहीं है गाइस, थोड़ी क्वांटिटी में मैं लेता हूँ क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए चावल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बनाए सुखसे, अगर सुखसे आपको नहीं पता है तो सुखसे बनते हैं गोभी को सुखा के, किसी किसी को अच्छे लग सकते हैं किसी किसी को नहीं, मुझे पहले पसंद नहीं आते थे लेकिन अब पसंद आते हैं। इसके अलावा बनी है रोटी और थोड़ा सा प्याज, तो मैं खा रहा हूँ फिर जा रहा हूँ। When we had each other, caught up in the memory of when we talked. Surprise वाले प्लान में गाइज इतना डिले हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना टाइम क्यों लग जा रहा है इसमें। बार बार जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ वहाँ वो चीज़ ही नहीं मिल रही है, और जहाँ कल जहाँ से बात हुई थी कन्फर्म, उन्होंने आज कह दिया कि मॉर्निंग में उनका स्लॉट निकल गया है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। अब दो दिन के बाद का टाइम दिया, उसमें भी कन्फर्म्ड नहीं है वो कि दो दिन के बाद आ ही जाएगा, उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग को, अब ऐसे बोल के छोड़ तो सकता नहीं हूँ मैं, तो आज मैं एक नई चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए अभी मैं बस निकलने ही वाला हूँ अपनी छोटी बहन के साथ, तो आप भी देख लीजिएगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और पुराने पौधों की अपडेट में मैं आपको बताऊँ तो छुई मुई की एक नई ब्रांच चल रही है गाइस, अभी दिखाता हूँ। चलिए देखिए गाइस इसकी मिट्टी चेंज करने का कितना फ़ायदा मिला है, कितनी सारी, एक ये नई स्टेम निकल आई है और एक ये निकलने वाली, अब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि छुई मुई के बारे में बोला जाता है जंगली पौधा होता है, इसीलिए इसकी स्टेम इतनी तेज़ इसलिए निकल रही है क्योंकि अब इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है गाइस। और जैसा कि नर्सरी वाले भैया ने बताया था कि ये जंगली पौधा होता है तो ये ग्रो बहुत जल्दी करता है, इसी वजह से बस न्यूट्रिशन की कमी थी वो मिट्टी चेंज करने की वजह से हो गई है। अभी आप देखिएगा इसका एक स्लोमो शॉट, मज़ा आ जाएगा देख के। ये मुझे इतना लिविंग लगता है क्योंकि रिस्पॉन्सिव होता है ना गाइस, जैसे इसे छुओ तो एकदम बंद हो जाती है पत्तियाँ इसकी। था ना एकदम अमेजिंग गाइस, तो अब जो गाइस इसे छेड़ ही दिया तो थोड़ा पानी भी दे देते हैं। पता नहीं गाइस क्या है कि मैं जब भी हमेशा बाहर निकलता हूँ ना, हमेशा मौसम अच्छा हो जाता है किसी काम से स्पेशली, आज दोपहर का काम है और बाहर देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है गाइस। चलिए चलते हैं। तो दिखाए हुए ब्लॉग की तफ्तीश में आज हम आए हैं क्यूरियोसिटी को अपनी बुझाने के लिए, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुएं में पानी है कि नहीं। अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं यहाँ पिन कर दूंगा आई बटन पर, देख लीजिएगा मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। गहरा, बहुत गहरा गाइस, पहली बार मैंने इतना गहरा कोई सामने से कुआं देखा जो इतना पुराना होगा।
पिछली बार आए थे तो ऑडियो का इशू आ रहा था यहाँ पे, लेकिन इस बार ऑडियो का कोई इशू नहीं है। पौधे भी कुछ नए नए आ गए हैं भैया के यहाँ, तो दिखाए थे उन्होंने, अभी मैंने दिखाऊंगा आपको थोड़े बहुत शूट्स में, छोटी छोटी वीडियोज में, बाकी देखते हैं जो लेते हैं फिर आपको बताता हूँ मैं कौन सा लिया। नर्सरी में अभी आ रखे थे हम लोग, दो पौधे सेलेक्ट किए हैं, अब दो पौधे ले आते हैं, बाकी फिर हम आते तो रहेंगे, अभी ऐसे पौधे लगवाते हैं फिर उसको आते हैं। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस, ये कुछ नया ही है, पैक्ड है क्रिस्पी भिंडी मसालेदार, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं पैकेजिंग में गाइस कुछ भी आ रहा है आजकल, क्रिस्पी भिंडी है देखिए, पूरी साबुत भिंडी फ्राइड है पैकेजिंग में मिल रही है, कुछ ज़्यादा टेस्ट इसका अलग नहीं है। तो गाइज आप लोग को पता नहीं हुआ लेकिन अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुआ, तो वहाँ से मेरा सामान जो रखा हुआ वो वापस आ रखा है, तो गाइज ये सारा सामान है अब इसे निकाल के ऊपर लेकर जाना है। अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, बहुत दूर कहीं बारिश हो रही थी शायद उसकी वजह से एक रेनबो निकला हुआ है, इसका टाइमलेस डालूंगा आप लोग ज़रूर देखिएगा, अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। गाइस यहाँ से निकल के वहाँ तक जा रहा है, बुड्ढे हो गए चाचा जी भी बुड्ढे हो गए, ना तो चाचा बुड्ढे ना पापा, तेरी मम्मी और फिर चाची।